रुक्मणी से पूछ रहे हैं, रुक्मणी तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो रुक्मणी सारी बात बतलाई, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और मेरा भैया ये जो रुकुम है, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करवाने जा रहा है, वो भी विवाह उल्टा है और बात भी सही उल्टा है। कहीं भाई के साले के संग बहन का विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहने लगी विवाह भी उल्टा करवा रहे हैं। लेकिन भगवान ने कन्हैया कहने लगे, सुन रुक्मणी, तुम रो रही हो, तुमको रोना अच्छा लग रहा है, ये रोना धोना बंद करो। किसी के अंदर औकात नहीं है जो तुझसे शादी कर ले, ब्याह कर दे। एकदम भगवान ने कन्हैया रुक्मणी से बोल उठे, रुक्मणी मैंने प्रेम किया है, कोई ऐसा वैसा तुम्हारे साथ में खेल नहीं किया, उस शिशुपाल के क्या औकात है जो तुमसे विवाह कर लेगा। लेकिन एक बात है रुक्मणी, मेरी एक बात मानोगे? रुक्मणी बोली, बोलो प्रभु। बात कौन सी है? कहने लगे, जब चंदेली का राजा शिशुपाल तुम्हारे वहां बारात लेकर के आ जाए तो मुझे एक पत्रिका भेज देना, एक पत्रिका भेज देना, हम 56 करोड़ अही रहे हैं, तुझे यहां से लेकर के जाएंगे। इधर जिस समय इतनी बात हुई तो भगवान कन्हैया इतनी बात करके सपने में रुक्मणी से अंतर ध्यान हो गए। रुक्मणी की एकदम अचंभा से नींद खुल गई, और जब नींद खुल गई तो रुक्मणी इधर उधर ढूंढने लगी, भगवान कन्हैया को ढूंढने लगी। जब नींद खुली तो ढूंढने लगी कि प्रभु आए थे, कहाँ है कहाँ है। सपने पर खीज पड़ी, और ये सपना तुझको अच्छा नहीं लगा कि सपनो तो ही मरवाऊ मेरो कले कले जाधे सोवती में हम दीजने और जागती में हम एक। तुमको अच्छा नहीं लगा? रुक्मणी सपने से कहने लगी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी। सपना बोल उठा, तुम हमें काहे को मरवाओगी? मैं तो तुम्हारे पति से बात करवा दिया, यहाँ से दूरी द्वारिकाधीश की 750 कोस के, मैंने रातों रात में सपने में तुम्हारे पति से बात करवा दिया और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। रुक्मणी कहने लगी, ठीक है कोई बात नहीं है, कि सपना कहे पुकारी के क्यों मरवई ए मोय, बहुत दूर तेरो पति है, आई हमने मिलाए दई तो। तुम्हारे पति 750 की दूरी है, हमने रातों रात में मिलवा दिया और तुम हमको मरवाओगे, तुमको अच्छा लग रहा है? रुक्मणी बोल उठी, नहीं भैया, मैं तुम्हें काहे को मरवाऊंगा, मैं तुमको नहीं मरवाऊंगी। नींद पर खींच उठी, और ही निंदिया, तुझको मेरा पति अच्छा नहीं लगा, मेरी आंखों से दूर हो गई हो, मेरी आंखों से चली गई हो। एकदम रुक्मणी उठी और प्रभु को देखने लगी, उठकर के यानी कमरे से आंगन में आई, और जब उठकर के कमरे से आंगन में आई, भैया कि कबहू देखती ओ खा झोखा, सोच रही है उधर रुकुम क्या करता है मेरे भैया। एक पत्रिका लिखने लगा, किसको?
अपने साले शिशुपाल को लिख रहा है। क्या लिख रहा है भैया? कि अरे सीधी श्री शिवला